ये बहुत सारी खुशियों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज और सबसे ज्यादा मुझे याद रहेगी वो ये रहेगी कि उन्होंने सना के होते हुए एक तो वीकेंड हस्बैंड होता है, एक होता है मंथली पेरेंट। आई डोंट थिंक इट वाज द स्वीटेस्ट जेस्चर, बट ऑल आई कैन से रात को सना उठती है तो मैं ही उठ, मेरे को ही उठना पड़ता है क्योंकि पूरा दिन। स्वागत है आप दोनों का डेली चेकअप पर। थैंक यू। सबसे पहले तो जो सीधा सिंपल सवाल है, पेरेंटहुड जर्नी कितना एंजॉय कर रहे हो, एक अपडेट भी आपके लिए। मैं बहुत एंजॉय कर रहा था बट लेकिन अभी पूजा ने डिसाइड किया वापस काम शुरू करना, तो पूजा बॉम्बे में काम कर रही है और मैं भुवनेश्वर में रह रहा हूँ। वो क्या बोलते हैं, एक तो वीकेंड हस्बैंड होता है, एक होता है मंथली पेरेंट, मतलब जैसे महीने में या दो महीने में एक ही बार मेरे को मौका मिलता है 2 या 3 दिन यहाँ पे आने का, क्योंकि मेरा भी काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है तो मैं भुवनेश्वर से ट्रैवल बहुत कम कर पाता हूँ। पर आज मौका मिला है, अभी अगले 2-3 दिन तक मैं हूँ यहाँ पे, तो जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का मौका मिलता है तो मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूँ। ये पूजा भी आपको बता देगी, अगर रात को सना उठती है तो मैं ही उठ, मेरे को ही उठना पड़ता है क्योंकि पूरा दिन पूजा अभी बिजी रहती है और अगर इसको रात को नींद नहीं आएगी तो फिर ये सुबह क्रैंक की होती है, वो हमें नहीं चाहिए। तो आई डू माई बिट, अगर रात को जरूरत पड़ती है तो मैं उठ जाता हूँ। ऐसा स्वीट जेस्चर भी इन्होंने आपके लिए किया जो आप बेहद। He's always been our sweetheart, मतलब मुझे कभी कोई कंप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जब सना हुई थी तब इन्होंने पेटर्निटी लीव ली थी, इन्होंने एक्चुअली काम से छुट्टी ली थी जब सना हुई थी, 15 दिन तक ये काम पे नहीं गए थे। तो आई डोंट थिंक इट वॉज द स्वीटेस्ट जेस्चर, बट ऑल आई कैन से बहुत कम मैन हस्बैंड फादर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल से लेते हैं और बखूबी निभाते हैं। तो आई थिंक काफ़ी अच्छा लगता है मुझे जब संदीप वो सारी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं और मुझे खुश कर देते हैं। तो ये बहुत सारी खुशियों में से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और सबसे ज़्यादा मुझे याद रहेगी वो ये रहेगी कि उन्होंने सना के होते हुए सबसे पहले छुट्टी बोल दी थी कि मैं 15-20 दिन काम पर नहीं आऊँगा। अच्छा अब बात अगर इनके काम की कर ले तो बिकॉज शी इज एन एक्ट्रेस और ऑन स्क्रीन कई बार वो रोमांस भी करते हैं, तो आप उनके काम को तो नो डाउट कीजिए, पर जब ये रोमांस करो तब आप बताते हैं ये भी किया था, अच्छा वो भी ऐसे कर। दैट वे आई एम वेरी, तो बोलते हैं ना मेरे को काफी भरोसा है बालाजी पे। कितना भी रोमांस हो जाए वो एक लिमिट तक ही रहता है, तो हाँ दैट वे मुझे पता है कि अगर पूजा कभी भी बालाजी का कोई शो करती है तो उसमें हमेशा ये चीज़ों पे बहुत ध्यान रखा जाता है, और अगर ऐसा भी कुछ अगर वेब सीरीज वगैरह होती है तो मेरे को पहले ही हेड्स अप मिल जाता है तो मैं वो देखता नहीं हूँ। Most क्या most likely अच्छा ओके ओके